शुभम कहाँ से लाया हूँ, नीरज कहाँ से लाया। अच्छा तो साइज में बोला ज्यादा बड़ा बड़ा मत करना। और दोस्तों क्या हाल चाल, सब मस्त है। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो धूप आ चुका है बहुत तेज और बबुआ यहाँ पे गाड़ी चला रहा है। बबुआ आपका आपका एक और नए व्लॉग में स्वागत है ना। डुक डुक तो यहाँ धूल में खेल रही है शेरू के साथ। और मैं जा रहा हूँ अभी शुभम के होटल में। इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि ना कुछ दिनों से मैं उससे बात कर रहा था कि भाई समोसा दे देना, तो जाकर देखता हूँ। बोल रहा था कि 9 बजे तक आ जाना और अगर ताज़ा बन गया हो तो ले आऊँगा, नहीं तो फिर 11-12 बजे मैं भाई को भेज दूँगा। और एक ऑप्शन और है मेरे पास कि जिस तरह मैं ठेला लगाता हूँ उसी रास्ते में एक और होटल लगता है, ठेला में लगता है, तो वो भी समोसा मान लो उनका तो मेरे को मुश्किल लगता है, वो देंगे नहीं देंगे। कहा कि वहीं पर मेरा भी ठेला लगता है तो बोलेंगे मेरे से समोसा लेके छोला डाल के 20 रुपये का बेच देगा, उससे अच्छा कस्टमर मेरे पास आ जाएँ तो मेरा चाट हो जाएगा। उनका छोला समोसा देता है, वो भी छोला और समोसा देते हैं, लेकिन उनका उनका ना छोला समोसा कहलाता है और मैं चाट बना के दूंगा प्रॉपर तरीके से। तो ये रिंकू भैया बहुत दिन बाद। हाँ, तो चाट के लिए नए समोसे में स्वागत है। ठेला देखिए, देखिए थोड़ा सा मतलब मैं कमी नहीं बता रहा हूँ, मैं तारीफ़ें कर रहा हूँ कि बस ये लग जाए। अब ये लगेगा पता नहीं यार, मिस्त्री का लोगों का ना यही रहता है। बाकी कैसे दिख रहा है भैया दूर से, अब देखिए बोर्ड वगैरह लग गया है तो ये देखिए ना, मैं टेम्पो में सुसु कर दिया अभी है। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, चलिए गाड़ी निकालता हूँ और उधर से ही मैं डुक का दूध भी ले आऊँगा। मेरे भाई तो यहाँ पानी पूरी तल रहा है। पचकी पचकी आ रही जी, थोड़ी थोड़ी। मैं शुभम के होटल में आ चुका हूँ। ये देखो समोसा वगैरह तो यहाँ पे रखा हुआ है और ये सामने मंदिर भी है। अब अंकल जी तो हैं, शुभम नहीं है, पैदल गया है कि गाड़ी तो ये खड़ा है। मैं भी खा लेता हूँ समोसा। अब शुभम तो है नहीं, अब समोसा तो है। समोसा कैसे देते हैं, एक ठो 10 रुपये का ना। अब मेरे को 10 समोसा चाहिए, खाली समोसा समोसा मिल जाएगा ना। तो अब ये तो बोल दिए भाई, हाँ 10 रुपये का वैसे भी दे रहे हैं चटनी वगैरह के साथ, और वैसे भी दे देंगे। ये देखो समोसा है, हाँ गर्म तो समोसा है भाई। पहले एक ठो लगा दीजिए, एक ठो खा लेता हूँ आया हूँ तो, एक समोसा खा लेता हूँ भाई आया हूँ तो। और उसके बाद भाई 10-11 बजे पास अपने भाई को भेजूँगा। ज़्यादा बड़ा साइज़ नहीं चाहिए ना मेरे को, और साइज़ भी देखो थोड़ा छोटा है और ठीक है। ये समोसे का एक ठो दे दीजिएगा। तो ये समोसा आ चुका है मेरा और भैया भी यहाँ पर नाश्ता कर रहे हैं। और यहाँ पे ना ये एक कड़ी की चटनी देते हैं और काफ़ी अच्छी लगती है वाली। और टमाटर तो काफ़ी ज़्यादा महंगा है भाई। ये देखो मसाला मसाला वगैरह भी ना काफ़ी सही है। मैं सोच रहा हूँ इसका चाट बनाऊँगा आज, मतलब मैं बोल रहा हूँ समोसा ले जाके यहाँ पे दुकान में समोसा चाट चालू करूँगा। और समोसा बनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा फिर, मैं मसाला वगैरह टिकिया वगैरह सब बनाना पड़ता है। डबल काम हो जाएगा। समोसा टेस्ट काफ़ी बेहतरीन है। दोस्तों वहाँ से समोसा खा के आ गया हूँ और मैंने कुछ खा लिया, मैंने सोचा इनको भी कुछ खिला दूँ। क्योंकि ना एक सब्सक्राइबर भाई थे मेरे आशीष गुप्ता नाम के, उन्होंने पहले बहुत पहले मेरी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैं तालाब में मछलियों को दाना डालने आया करता था लॉकडाउन में, सिर्फ लॉकडाउन में आया करता था पीछे पीछे से होके, यही हम लोग दोस्त लोग बैठा करते थे। तो आज मैं यहीं फिर से आ गया हूँ। ये देखो मछलियाँ काफ़ी सारी हैं यहाँ पर, और पहले ना पिंक वाली भी थी बड़ी बड़ी, अभी तो वो पता नहीं है। पहले तो भाई पानी यहाँ तक था, अभी तो गर्मी कुछ ऐसी पड़ रही है कि पूछो ही मत। और एक जब पहले मैं इस तालाब में नहाने आया करता था, छोटा था तब मैं, क्या मतलब पूरा मोहल्ला इसी तालाब में दोस्तों नहाने आया करता था। और इधर पीछे जितने भी घर दिख रहे हैं ना, एक भी घर नहीं थे, और काफ़ी सस्ती ज़मीन थी भाई इधर। तो मेरे पापा पहले ध्यान नहीं दिए, पहले हम लोग ना इसी तरफ रहते थे, ये जो बिल्डिंग बन रही है इसके जस्ट पीछे में किराए में, तो पहले ध्यान नहीं दिए। और जब मैं बड़ा हुआ तो धीरे धीरे जानकारी हुआ कि रहना तो भाई यहीं पर है, सूरजपुर में ही। उसके बाद तो अभी मैं फ़िलहाल दोस्तों दो पार्ले जी लाया हूँ, दे देता हूँ। अब आया हूँ भाई शुभम के होटल तक आया था, तो मैं और इधर भी आ जाऊँ। एक पिंक वाली दिखी है मेरे को, देखो मैं आप लोगों का अगर दिख जाए तो, कहाँ गई, चली गई भाई। ये लो खा लो। अच्छा आवाज़ से डरती है शायद ये, देखो तो चलिए दोस्तों चलते हैं। अब दूध भी ले जाऊँगा, डुक के लिए दूध लेने भी आया था, और चलता हूँ घर। अब 11 बजे अपने भाई को भेज दूँगा यहीं, 100 रुपये दे दूँगा, 10 समोसा ले जाएगा।
आज ट्राई करता हूँ 10 ले जाऊँगा या फिर 5 ले जाऊँगा, जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा ना उसके हिसाब से। और किस दिन बारिश वगैरह अगर स्टार्ट हो जाएगी, अभी तो मान लो धूप है, तो उस दिन ना समोसा कैंसिल ही कर दूँगा। फिर आप लोग उस दिन कमेंट करोगे यार समोसा चट कहाँ गया, इसलिए आज बता रहा हूँ मैं। तो दोस्तों वहाँ से आ गया था और पूरा ठेला सेट कर लिया, अभी मसाला नहीं बना है, प्याज वगैरह हो गया है, सब सामान हो गया है। और पानी पूरी अभी दोस्तों 3 ही पनीर रखा हूँ, सोच रहा हूँ आधा पनीर और के आसपास ले लूँ। थोड़ा सा ठेला काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो गया है, पहले टेबल को यहाँ रखा करता था, अभी बाल्टी वगैरह सब यहाँ रख देता हूँ। मटर देखता हूँ उबला हुआ है कि नहीं अभी मटर, ये देखो मटर इसमें उबल रहा है। और मैं अपने भाई को भेज रहा हूँ, जाओ ले आओ समोसा। समोसा कितने? 5 ले आओ। अभी 5 मंगा लेता हूँ दोस्तों, 10 देखता हूँ आज, मतलब आज पहला दिन है, 5 मंगा के देखता हूँ, बिक्री होगा तो ठीक है। और मेरे भाई वो भी बोल रहा है कहाँ और समोसा मिला था कि राजकुमार होटल जहाँ पे हम दुकान लगाते हैं। मैं आपको बोला था दोस्तों कि जहाँ पे मैं दुकान लगाता हूँ वहाँ भी मिलता है, लेकिन पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे। अभी टेम्पू लेके आ गया भाई, और यहाँ पे ना अभी मैं गाड़ी ठेला लगा था ये वाला, तो उसी चक्कर में थोड़ी देर हो गया। ओए बच गए बच गए बच गए, तिरपाल लगा लूँ ना सबसे पहले, धूप बहुत है, पानी नहीं बरसवा रहे हो तुम लोग। तो छोला सेट कर लिया हूँ और चाट बना लिया, लेकिन मैं समोसा को मैं सेट नहीं कर पाया बस। अब देखो मेरे भाई पनीर लाया था, मैंने उसको मना किया था कि चटनी वगैरह मत लाना, तो चटनी लाया नहीं, तो चटनी यहाँ करूँगा इसका, देखता हूँ आज क्या बिक्री होता है, कैसा बिक्री होता है। साहिल खाएंगे समोसा चाट? कहा है भाई 10 रुपये का तो समोसा होगा भैया, कितना का बनेगा समोसा चाट? एक समोसा 20 रुपये बनेगा, एक समोसा चाट 20 रुपये बनेगा, ठीक रहेगा। शुभम कहाँ से लाया हूँ, नीरज कहाँ से? अच्छा तो भैया साइज में बोला ज़्यादा बड़ा बड़ा मत करना, कहेंगे ना फिर वही छोला समोसा इधर उधर कम लगेगा ना, फिर छोला समोसा समोसा ज़्यादा हो जाएगा। आज 5 पीस लाया हूँ, अब देखता हूँ कैसा भी होगा, नहीं तो 10-15 पीस बढ़ा लूँगा। अभी चाट की बिक्री हुई थोड़ी मोड़ी, लेकिन मैं समोसा रखा ही था, नहीं तो कोई हो सकता मानता भी। साहिल क्या खाएगा? टिक्की। कितना कितना बना दीजिए? हैं 20 का बना दो ना। कितना बना दीजिए? टिक्की तो भरवा लेता हूँ, फुल्की मिल में कोई समोसा भरने के लिए बोल देगा तो बस आप 20 का बना पाएंगे, बोला जितना बना दीजिए। नहीं यार तो कहने के बाद इतना बना दीजिए। कटने दो, रुक जाओ राजकुमार रुक जा, दे रहा हूँ, तुम भी यार गुस्सा होकर चले जाते हो यार। ये लो 5 समोसा था, 5 का 5 रखा हुआ है, ये समझ लो मैं बेचना नहीं चाहा या फिर बिकाया नहीं, क्योंकि ना कोई भी कस्टमर आ रहा था तो मैं उनसे पूछ नहीं रहा था कि समोसा वाला बनाऊँ कि टिकिया वाला, नहीं तो वो बोल देते समोसा वाला बनाओ, निकल जाएगा कोई दिक्कत नहीं। सुखा दूँ मिर्ची रहेगा ना भैया? मिर्ची रहेगा? मिर्ची हाँ डाल दिया हूँ। तो भी एक समोसा चाट बना रहा हूँ भैया की, क्या दूँ आपको? पहुँचता होगा? हाँ नहीं थोड़ा नहीं पहुँचता ही होगा। ये लीजिए सूखा, क्या डाल दूँ? मीठा नहीं, दही डाल। अच्छा खाते हैं ना भैया आप तो? अच्छा मीठा नहीं खाते ना, दही खट्टा बना दो थोड़ा सा ऊपर में, इससे बड़ा समोसा का बनेगा 20 रुपये? इससे बड़ा समोसा का मैं गया था एक दिन, यहाँ पे होटल में है बगल में, मैं कुछ काम से गया था तो मैं बोला एक तो समोसा में छोला डाल के दे दीजिए, तो मेरे को 30 रुपये में दिया था एक समोसा और एक छोला, जाएंगे होटल में बैठ के खाएंगे यहाँ पे तो 30 रुपये लेगा वो, 20 रुपये नहीं लेगा। दिल्ली होटल में जाके खाया था खुद, तो समोसा नहीं था उस टाइम पे, उसके पास आलू गुंडा था, तो आलू गुंडा मैं खाया तो मेरे से 30 रुपये लिया। आप बोलते हैं कि होटल में जाके बैठ के खाएगा वहाँ 20 लेंगे, ठीक तो भैया 10 रुपये में समोसा खरीद के लाया हूँ और चाट बना दिया हूँ, चेंज चाहिए 50 का ना? हाँ लीजिए। तो फिलहाल तो टिकिया ख़त्म हो गया है, आलू छिल रहा था, आलू छिल लूँ और टिकिया बना लूँ, ठीक है वही 20-25 शॉट बना लेता हूँ यहाँ तक। गर्मी तो भाई इतनी ज़्यादा है, पानी का पता ही नहीं चल रहा है कब बरसेगा, क्या बरसेगा, कैसे होगा। थोड़ा सा नमक, टिक्की तो ख़त्म हो गया, चाट बनाना है, समोसा बना दो भैया, लेट नहीं लगेगा बना देते तुरंत। हरी मिर्ची काट दूँ?
रहने दीजिए रहने दीजिए, आप कुछ कराओ हमारी हरकत तो करने दीजिए। चलेंगे दिया। नमक भी लगा दूं? ये एक चूमे नमक लगाया हूँ, बाकी में लगा देना। नमक हाँ मीठा क्या, कितना मीठा खाते हो भैया? आपको कितना हो गया? 30 रुपये हो गए दोनों का। लेगा लेगा के इस्तेमाल कर रहे हैं आप, देखिए। वही एक पनीर डेढ़ पनीर पानी पूरी बची है। अरे समोसा रखा भैया आजकल, देखिए ना। हाँ भैया एक नंबर का। हाँ नहीं सुना दे रहा है, थोड़ा गाड़ी धूप है, इतना गर्मी है। चाट बना दो रखी था बच्चा। कौन सा? ए सॉरी यार। हाँ। क्या है ना, आज मैं समोसा और टिक्की दोनों रखा ना, तो आदत हो गया है। कौन सा होना? कितना बना? एक प्लेट बस, पैक करना है, खाना है मेरे को, बनाओ। 20 रहा ना? हाँ ठीक है। हेलो भैया क्या खाएंगे? दोस्तों अभी बैठा हुआ हूँ, अभी तो कार से निकल के यहाँ चाट खाने लगे। खाना है मकई? हैं एक ठो लेंगे, एक ठो खाना है कि पूरा खाना? मैं आधा खाऊंगा। एक ठो मकई भून दीजिएगा, ये भूना हुआ दे दीजिए ना इसी को। गरम खाना है कि ठंडा? गरम खाना, गरम खाएगा, गरम खाएगा। नहीं नहीं वो गरम खाएगा, वो बोल रहा है। निकाल दीजिए, नींबू वगैरह लगा दीजिए ना। बहुत तेज़ गर्मी है भाई साहब, जो भी बिक्री होती है ना वो शुरू में हो जाती है 12 बजे से वही 2:30-3 बजे तक। उसके बाद जब धूप में छेले में आ गया, ग्रीन मेट मतलब था, तो कल भी मैं बोला था ग्रीन मेट लाना, भूल गया। और आज ही मैंने सोचा कि सुबह सुबह थोड़ी छाया थी, और किशन तो कुछ खा रहा है यार सामने में, देखो वहाँ पे, ये देखो बैठ के यहाँ पे, यहाँ पे भी रन नहीं है बिल्कुल भी, दोनों ठेले में। तीन चार पाँच छः मतलब 10 रुपये का जो भी हो, 10 का 10 आता है ना, 10 का 5-6 तो खा लो ना भैया। पानी कम, जब भी कोई बोलता है ना पानी कम डालेगा, तो मेरा आदत है कि पानी को मैं ना पूरा फिल कर देता हूँ पानी पूरी में, और फिर ना मतलब अगर मैं ध्यान रखूँगा कि पानी कम डालना, तो स्पीड थोड़ा स्लो हो जाता है मेरा, इसलिए मैं बोलता हूँ भैया पी लीजिए। उसको बराबर करा दे, मसाला ज़्यादा कर दो, बराबर हो जाएगा। अरे वाह 10 का हो गया भाई वाला। हाँ सब डाल दो, ये लीजिए मकई दे दीजिएगा, 30 रुपये काट लीजिए ना इसमें, 20 वापस कर दीजिए। इतना गर्मी में आप भी भून रहे हैं, आप साथ में आप भी भूजा जा रहे हैं, क्या करिएगा? पानी बरसता ना तो इतना तकलीफ नहीं होती। छोड़ो यार खाओ, तोड़ ना भाई गर्म है तो। कहे चाट खा लिया है इसीलिए, नींबू लगा दिए सर जी। यादव जी लेके मकई खाइए, मकई खाइए। खाओ ना आप। मैं खा रहा हूँ, बिक्री बट्टा तो है नहीं, यादव जी के पास भी सवारी नहीं है, तो मैं बोला आधा मैं खा लेता हूँ, आधा आप खा लीजिए। बाकी टेम्पू कहाँ चला गया? सवारी नहीं है, कोई उधर गया तो उधर ही खड़ा है ना, अब आप भी खड़े रहेंगे यहीं। अगर सवारी मिलेगा तो ठीक, नहीं तो स्कूल की छुट्टी तक यहीं खड़ा रहना पड़ेगा।
एक घंटा कम से कम। धूप के चक्कर में लोग नहीं निकल रहे हैं ना। रोपा भी लगाते हैं आप लोग, खेती किसानी करते हैं? हो गया काहे पानी चक्कर में ना। अब जिसके यहाँ है वो तो पानी लगा लिया अपना बोरवेल से, और जिसके यहाँ नहीं हो तो भाई गड़बड़ हो गया पूरा ना। ऐसे में महंगाई बढ़ता है। तीन भाई हैं, तीन भाई खेती करते हैं। आप खेती नहीं करते हैं? नहीं, छोटे भाई लोग हैं। अच्छा, तो अभी दोस्तों इतनी पानी पूरी बची है, वो पन्नी बची है थोड़ी सी, और टिकिया तो खत्म हो गई भाई। और एक भैया हरा मिर्चा लेके आए हैं। कहा है भाई? चलो तिरपाल खोलता हूँ। कल तो चने वाले से आ गए थे आज शायद ना, 6 बज गए हैं। कल ना पौने 7 बजे तक मैं यहीं पे बैठा रहा था, मतलब ख़त्म हुआ ना उसके बाद थोड़ी देर बैठा, योगेश था, मैं था, इसी चक्कर में ना थोड़ा लेट भी हो गया। और कल का ब्लॉग बोल रहे थे बहुत छोटा हो गया, मतलब बोल के रहे थे सही में छोटा हो गया था, पता नहीं कल यहीं पर आगे स्टार्ट किया था, आप लोगों ने देखा था ठेले पर ही आगे स्टार्ट किया था। इसी चक्कर में अभी घर में प्याज नहीं है, सुबह मेरे भाई प्याज ले आया था 3 किलो खुल्ला, अब खुल्ला प्याज है शायद 25 रुपये किलो। अब बोरी में देखते हैं कैसे मिलता है। तो दोस्तों अभी मैं तेल डलवा के आ गया हूँ, जा रहा हूँ बाजार अंदर साइड में, और यहाँ पे जितनी भी पानीपुरी की दुकानें लगती है ना सब घर चले गए बहुत जल्दी, एक दुकान लगी है बस, अभी मेरे को इसके अंदर जाना है। तो दोस्तों आलू ले लिया हूँ एक बोरा, और धनिया पत्ते लिया हूँ, और सब्जी में दोस्तों लिया हूँ मैं भिंडी और बरबट्टी, 20 रुपये की बरबट्टी दी है एक जुट्टी, और भिंडी 40 रुपये किलो थी आधा किलो ले लिया, आलू 700 का मिला है, ये भैया दिए हैं। ठीक है भैया ना, पहले मैं उधर से अंदर से लिया करता था कभी कभी, और कभी कभी उधर से, मतलब कहीं से भी लेता हूँ, ऐसा नहीं है। अभी ये बोले मैं यहीं से अंदर घुस रहा था, बोले आलू है मेरे पास बड़ा बड़ा, इशारा किया ऐसे करके, मतलब बड़ा आलू होगा तो ले लूँगा, छोटा आलू नहीं चलता है ना। ठीक है दे दी हूँ पीछे ना। तो उस तक मैं घर आ गया हूँ, और गुरु जी बोल रहे थे आलू का बोरा उठा के दूंगा मैं अकेले, तेरे को उठाना नहीं पड़ेगा, लीजिए कोशिश करिए। फिर बोला, मैं नहीं बोला ऐसा। अभी आप बोले मैं बोला आलू का बोरा उठा लेता हूँ, तो क्या यार तू भी लेता हूँ उसमें क्या है, लीजिए फिर मैं उठा लेता हूँ, रख देता हूँ अंदर, फिर चलता हूँ। अभी जाएंगे बाजार, उसके बाद फिर चलेंगे, नहीं तो मैं आलू का बोरा बाइक पे लाता हूँ, बाइक में दिक्कत होता है ना, मेरे को पीछे मुश्किल से बैठ पाता हूँ, फिर मैं मेन मेरे को बैठने में दिक्कत होता है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बैठने में तो दिक्कत होता है, पैरों में दबता है ना थोड़ा सा, अभी जाता हूँ। हाँ देखो मैं मार्केट गया था, लेकिन फिर भी मैं ना प्याज लाना भूल गया, बाकी सब्जी तो सब लाया। टमाटर क्या चल रहा है अभी? टमाटर 120 रुपये। बाप रे, 100 रुपये 110 रुपये लगा देते हैं। मेरठ गया था ना 220। हाँ मौसी बोलती है 220, और नोएडा में भी कितना था, 220 230 ऐसे कुछ था। आपके घर का भी जग गया, मतलब भी फल गया। आज मैं एक पन्नी ले गया था कॉलेज, पका हुआ ना, खिलाया नहीं यार, चलना इतना पका हुआ नहीं। कहा पता है इसका टेस्ट 19 है, तो आपके बीहीं का टेस्ट ना 25 है। हाँ पता है सही में। तो नहीं सही में मारा मारी हो गया कॉलेज में, अब धूप के चक्कर में पूरा टाइट हो गया, पत्थर हो गया पूरा, 2-3 किलो 5 किलो ले गया था लगभग कॉलेज। अभी इस सीजन में आपको नहीं खाया भी और है। इसका बैक कवर दिखा दीजिए भैया जी, नथिंग फोन 2 का। ओह माय गॉड, नथिंग फोन 2। एक मोबाइल लेने पे फ्री है सब? ये कितने घड़ी भैया? सब रोनिक का है, मैं लोकल होगा कोई सर। अच्छा है, अच्छा है। अब भाई कवर तो नहीं मिला यहाँ पे, और कोई दुकान शायद ही मिलेगा ना, जाते समय मैं भी बच गया ना थोड़ा सा फिसलने से। कितने का है कवर ऑनलाइन? 250 रुपये का। तो दोस्तों हम लोग ना वहाँ से चाय पी गया, उसके बाद मैं खाना पीना खा लिया, और भाई अब सोना टाइम हो गया है, और समोसा का काम देखता हूँ। कल बाज़ार है, आज मंगलवार था, अब कल कैसे बिक्री होती है वो तो, मतलब बिक्री तो होती है अच्छी खासी, लेकिन समोसा का कैसे होता है आज ना। देखो क्या होता था लोग ना, कुछ मैं आपको वहाँ पे ठेले पे भी बताया सेम ऐसा ही, कि कुछ ना 10 रुपये का चाट भी बनाना है और समोसा भी डालना है, ऐसे लोग वही थे जो रोजे के कस्टमर हैं, थोड़े से चुलबुले हैं वही लोग ऐसा करते हैं। अब वो ब्लॉग देख रहे हो तो समझ गए होंगे। और कुछ लोग ना बोल रहे थे कि एक समोसा एक टिक्की उसके बाद 20 रुपये, तो ऐसे में कैसे होगा बताओ ना यार, अगर मैं समोसा बनाता हूँ तो समझ में आता है, नहीं तो फिर कैसे होगा। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पेंड करते हैं, और कल देखते हैं क्या होता है, कल 5 समोसा लाता हूँ या फिर 10 लाता हूँ, वैसे कल बाजार है 10 निकल जाना चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।